धामनोद थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे बीटी रोड पर जाट चौधरी ढाबे पर एक केरल पासिंग कार में अपने आप को आईपीएस अधिकारी बताने वाला एक व्यक्ति आया। हालांकि उसकी वर्दी पर गुजरात पुलिस लिखा था, पूर्व में भी आ चुका था और इस संचालक को 40,000 की चपत भी लगा चुका था। ढाबा मालिक को बोला कि मैं गौशाला का रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, इस भरोसे में दे दिए और चैन वगैरह भी इनसे ले गया था। आज फिर आया तो फ़ोन करके आया और बोला खाना बनवा कर रखना, आया और वाइन वगैरह ली। तब तक संचालक ने धामनोद पुलिस को सूचना दी। धार एसपी के निर्देशन में क्राइम ब्रांच ने मिलकर धर दबोचा, उसे धामनोद थाने लाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम श्याम सुंदर शर्मा बताया, उसके बाद टीम धार पूछताछ के लिए ले गई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, अभी नकली एसपी के नाम से 60,000 की पंप संचालक से धोखाधड़ी कर खाते में डलवा लिए और आज ही नकली एसपी बनकर ये वारदात को अंजाम देते। अब सवाल ये है कि गाड़ी केरल की आईपीएस वर्दी गुजरात की रहने वाला अजमेर राजस्थान का वारदात मध्य प्रदेश में और कहाँ कहाँ इस गिरोह में कौन है और जांच चल रही है। ये श्याम सुंदर पिता सत्यनारायण शर्मा करके व्यक्ति आज पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और इसके पास इसके बैग में पुलिस की यूनिफॉर्म जिसमें आईपीएस की यूनिफॉर्म बेल्ट कैप और अन्य सामान इसके पास मिला है। इसके पास कुछ कैश पैसा भी मिला है। अभी पुलिस पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे आगे फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कुछ मतलब प्रथम दृष्टया क्या कुछ मामला लग रहा है? देखिए प्रथम दृष्टया ये क्लियर है कि ये आईपीएस ऑफिसर नहीं है, ये कोई फ्रॉडस्टर है और अभी जो इसका क्या यहाँ रोल था, क्या कहाँ कहाँ ये इसने अपराध किया है, इसको हम दिखा रहे हैं और भी आसपास की पुलिस से हम संपर्क कर रहे हैं और जैसे आगे तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर इसके पास क्या क्या सामान जब्त किया है पुलिस ने? इसके पास से दो यूनिफॉर्म्स है, आईपीएस की यूनिफॉर्म्स है, उसमें कैप है, बेल्ट है और उसके अलावा इसके पास 9,00,000 रुपये से अधिक का कैश मिला है और इसके पास आईफोन्स और काफ़ी अन्य सामग्री, कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस अभी उनको अभी हम उसको दिखवा रहे हैं, जैसे आगे वो पैक्स आएंगे उनसे सर इसकी टीम में और कोई साथ में थे? देखिए अभी तो ये संभवतः अकेला ही लग रहा है और आगे अभी क्योंकि इसमें और इन्वेस्टिगेशन बची है, मामला अभी जस्ट हुआ ही है तो जैसे जैसे आगे फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।